हमारी शादी की बात हो रही थी तो बात बात पे ये गलत बात है, ये अपशगुन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आज काली की बच्ची के लिए सब कुछ माफ। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, बिल्कुल ही तुम्हारी जैसे थे। वो क्या कहते हैं, एकदम मुंह फट, आगा पीछा जरा भी नहीं देखते थे। जो मन में आया कर दिए, जो मन में आया कह दिए। लेकिन बाद में उम्र के साथ साथ तजुर्बा आया और वो तजुर्बा हमको बहुत कुछ सिखा गया। क्या सिखाया? यही कि भात जब बहुत गर्म होता है ना, उसको बीच से नहीं खाया करते, किनारे से धीरे धीरे पूरा खत्म कर देते, एकदम चट। मतलब शक्ति का संतुलन, उसको बनाए रखने के लिए तराजू का दोनों पलड़ा का भार कम ज्यादा करते रहना पड़ता है। अब क्या बोल रही है दादी जी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं, अभी नादान हो। एक ठो बात बताओ, युग से शादी करना चाहती हो? तो ठीक, जैसा हम कहे तुमको करना होगा। इस खेल में हम तुम्हारे दल के कप्तान, और अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अपने कप्तान का बात माने। बुझिए? काली, समझती का है अपने आप को? आंखों में प्यार और चेहरे पे मुस्कान का नौटंकी लिए कर इस घर का बहू बन जाएगी? जानती नहीं है हमको, चौधरी परिवार का आन पान और शान के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप हमारे पूर्वज हैं और हम कसम खाते हैं आपकी इज्जत पर कोनो आंच नहीं आने देंगे।
सजना सजना सबके सामने ये बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कली से प्यार करता हूं और करता रहूंगा। कली। हाँ युग। चिंता मत कीजिए, काली की वजह से अपना पोता नहीं खोएंगे हम। ओकरा ब्याह तो हम इसलिए करा रहे हैं ना कि वो लड़की की पोतरी का सौभाग्य हम अपने पोते के भाग्य में चाहते हैं। लेकिन वो लड़की है इस घर की बहू नहीं बनेगी ना, जब तक उसके मन के अरमानों के सारे दिए बुझ नहीं जाते हैं ना। इस समाधि पर दिया नहीं जलाएंगे। अपने मरे हुए पति का कसम खाकर कहते हैं हम। तुम कितनी सही थी कली, प्यार और विश्वास के रास्ते पे चलकर आखिर हम दोनों ने अपनी मंजिल पा ली है। मैं जानता हूं कि तुम दादी को अच्छे से हैंडल करोगी, उन्हें इतना प्यार दोगी कि वो भी तुमसे वैसा ही प्यार करेंगी जैसे बड़के पापा तुमसे करते। अब सब ठीक हो गया कली। अरे बिटिया आवा, ये सब काम में हाथ बटाओगी तो शादी जल्दी होगी। हाँ
मैं सिर्फ और सिर्फ कली से प्यार करता हूं। हे राम जी, हमारे होने वाले पति की हमेशा रक्षा करना। उसके ऊपर कोई आ जाए उससे पहले हमें दुख दे देना। हुआ तो नहीं गौरी, ठीक तो हो तुम? जान निकाल दी हमारी, क्या कर रही थी तुम? सही से खड़ी नहीं हो सकती, पक्का वहां पर भी सेल्फी ले रही होगी। कुएं के पास सेल्फी लेना, मैं गिर गई। चलो कोई बात नहीं, गौरी बिल्कुल ठीक है, बुरी घड़ी थी टल गई, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, खुशी का माहौल है भाई। जब कली का प्यार गौरी के साथ हो तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हैं? हाँ माँ जी, बहुत बड़ा कांड हो सकता था मगर टल गया, समझे कि समझाए? लड़की ना, जब ये अपना दिमाग खराब था घर पे बैठी रहती, मुंह फुलाए वहां जाके कांड करने का जरूरत था? लगता है गौरी ना कहीं और जाके मेहंदी पीस रही है, पता नहीं कौन रंग खिलाएगी। लगता है शाम को बतियाना ही पड़ेगा, वरना अपना बचपना में हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। Oh,
सुनिए, मेहंदी में दूल्हे का नाम जरूर लिखिएगा। रुको, एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदी में मत लिखो, दूल्हे का नाम सिर्फ दो लेटर्स का है। एक काम करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दो, इट विल लुक बेटर। हम पेपर लेकर आते, एक मिनट, पर पहले काली की आंखें कवर कर दो। वो क्या है ना, काली को पता नहीं चलना चाहिए कि युग का नाम कहां पे लिखा है, वरना सबसे पहले युग को हेल्प वही करेगी उसका नाम ढूंढने के लिए। ये गौरी ने बिल्कुल सही कहा, अब गौरी ने कह दिया तो ये तय हो गया। आंखें बंद कीजिए। आप लोग प्लीज गाना शुरू कीजिए ना। ले, अब का गुंतड़ा लगा रखा ये छोकरिया ने, हमको कुछ पूछ कहे नहीं रहा। पहले हिंदी में लिखो, फिर अंग्रेज आइएगा। What the hell? ये अब क्या कर रही है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? जी सिर्फ तुम्हारा नहीं चल रहा है लड़की, हमारी भी जान आफत में है। एक तो पोता है हमारा, वो अगर उस लड़की से ब्याह कर लिया हम उससे भी हाथ तो बटेंगे, इसलिए पोताए दे रहे हैं। ये अपना बचकाना बुद्धि वाला खेल खेल कर हमारा काम खराब मत करो, ठीक नहीं होगा, समझ जाओ, वरना क्या? गेहूं के साथ जैसे घुन पीस जाता है ना, उसे पीस के धर देंगे। अपने मरे हुए पति की कसम खाए हैं हम, ये रिश्ता तोड़ने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। समझने का कोशिश करो बेटा, ये देखो तुम्हारा हमारा निशाना एक है। और एकता में बल होता है, इसलिए हम जैसा कहते हैं ऐसा करो।